नोएडा में इंटरनेशनल फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह फर्जी आईडी पर सिम एक्टिवेट कराकर चीन भेजता था, साथ ही ये जालसाज कॉलेजेस में नशे की खेप भी सप्लाई करते थे। यूपी के नोएडा से एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास फर्जी आईडी पर एक्टिवेटेड 728 सिम कार्ड, 55 ग्राम मेथाफेटामाइन, 40 एमडीएमए की टैबलेट और विदेशी वीड बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए इन लोगों में 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने 2000 से ज्यादा सिम कार्ड चीन भेजे हैं। इसके जरिए वहां व्हाट्सएप चलाया जाता था। इतनी बड़ी संख्या में चीन के सिम कार्ड मंगवाने के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का मानना है कि भारतीय सिम चीन में भेजने के पीछे का कारण वित्तीय जालसाजी या कोई दूसरी वजह हो सकती है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर इन लोगों ने सिम कार्ड क्यों चीन को बेचे। इस मामले में ड्रग की तस्करी की बात भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को ज्यादा पैसे का लालच दिया गया था, जिसकी वजह से ये लोग विदेश से भारतीय छात्रों के लिए नशीला पदार्थ मंगवाते थे, जिन्हें ग्रेटर नोएडा के कॉलेजों में सप्लाई किया जाता था। एंटी ऑटो थेफ्ट टीम और नॉलेज पार्क पुलिस ने इस गैंग को पकड़ा है। इस गैंग में एक नाइजेरियन नागरिक और एक तिब्बत का रिफ्यूजी शामिल है। दोनों भारत में लगभग 10 सालों से रह रहे थे।